हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाई स्पीड विंड एयर। जो की वर्ड थे, जो मुख्य बातें थे, पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक। फिर एक क्रियाकलाप मैं इस चीज का करके दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्रियाकलाप है, मजा आ जाएगा, तुम भी कर, ठीक। तो देखो यहाँ एक शब्द आया है वायुदाब। गति का मतलब तो समझ रहे हो, समय के साथ स्थान में परिवर्तन, ठीक है। चलो वायुदाब क्या होता है तो कोई जानना पड़ेगा कि एयर प्रेशर, इसी को बोलते हैं वायु मतलब एयर, और दाब को क्या कहते हैं, ये होता क्या है वायुदाब, ठीक। वायुदाब क्या होता है, हवा जो होता है, पिछले कक्षा छठी में हम पढ़े थे पदार्थ के कुछ गुण, क्या पढ़े थे, पदार्थों के कुछ गुण। और जब पदार्थों के गुण पढ़े थे तो उसमें एक गुण पढ़े थे कि पदार्थों में क्या होता है, पदार्थ में भार होता है, क्या होता है, भार होता है, ठीक। समझ में आया, हर पदार्थ का एक भार पढ़े थे याद रखना, ठीक, जिसको हम बोलते थे द्रव्यमान। ये छठवीं कक्षा में पढ़े मास, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मास, ठीक। और अपने भार के कारण कोई पदार्थ या कोई वस्तु, ठीक, क्या लगाती है, दाब। समझ में आया, एक प्रेशर लगाती है, एक बल लगाती है, इसको कहते हैं दाब। वायु क्या, गैसों का मिश्रण, ठीक है। तो हमारे चारों ये वायु है, वायुमंडल में ये जो गैसें हैं, ठीक है, तो इन गैसों के द्वारा भी क्या लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसको समझ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के चारों क्या है, वायुमंडल, क्या है, तो ये वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ठीक है। और गैस भी पदार्थ है, तो ये भी क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, पृथ्वी की सतह पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, ठीक है। तो वायुमंडल के द्वारा जो पृथ्वी पर जो दाब लगाया जा रहा है उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब, क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी के चारों ओर ये जो गैसों का आवरण है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैस है, ये क्या करती है, पृथ्वी की सतह पर दाब लगाती, ये कहलाता है वायुदाब, क्या कहलाता है, वायुदाब। आगे समझ में नहीं आया, अच्छे से समझ लो, इसी को बोलते हैं एयर प्रेशर, ठीक है। यानी पूरी पृथ्वी पर ये चारों ओर जो वायुमंडल है वो क्या लगा रहा है, यानी दबाव है, पता चल रहा है, तुम पता चल रहा है, तुमको कोई दबाव है, लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, चलो इसको भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्रेशर और लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलो तो पहले वायुदाब समझ में आ गया, एयर प्रेशर, ठीक है, कि हमारे पृथ्वी पर कैसे काम करता है, ये समझ में आ गया। फिर से देख लो, पृथ्वी की सतह पर इसके चारों ओर जो वायुमंडल है वो क्या लगाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ये बात समझ में आ गया, वायुदाब क्या है, यानी हर वक्त हमारे ऊपर और पूरी पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं सब पर क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। आगे समझ में, और ये वायुमंडलीय दाब का बड़ा महत्व है, ठीक। ये जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ये जो हवा है, ठीक, इसी वायुमंडलीय दाब के कारण ये गति करने लगते हैं। बिना वायुमंडलीय दाब के ये हवा जो है गति नहीं करेगा, हवा को गति करने के लिए ये दाब बहुत जरूरी है। आगे समझ में, कैसे है अभी बताएंगे, ठीक। हवा यहाँ पर क्या है, हवा है, ये हवा ये यहीं पर है, ये कोई जगह है, ठीक, यहाँ पर है हमारी हवा। अब ये हवा तो अभी एक जगह स्थिर है, अभी गति कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। पर ये गति कब करेगा, ठीक, गति कब करेगा, बाद। तो ये गति, हवा की गति करने के लिए जरूरी है वायुमंडलीय दाब में अंतर, ठीक। कहीं पर दाब ज्यादा हो, कहीं पर दाब कम हो, पृथ्वी पर कहीं पर दाब ज्यादा होता है किसी कारण से, किसी कारण से कम दाब होता है, भूगोल में पढ़े होंगे, ठीक। चलो तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर ये हवा है, ठीक। अब ये हवा अचानक से बहने लग गई, क्या हो गई, बहने लग गई, और हवा, ठीक है, ये क्या हो रही है, बह रही है, बहने लग गई, ठीक है। तो हवा जब बहने लगती है तो बहती हुई हवा को, इसको बहती हुई हवा को, बहती हुई हवा को क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। अब
हो चुकी है, बह रही है, ठीक, उसी हवा को हम कहते हैं पवन या विंड। आगे समझ में? ठीक, हवा जब स्थिर अवस्था पे है तो हवा, पर वो हवा जब किसी कारण से इस अवस्था में आ गई, गतिशील अवस्था में, और जब वो गतिशील अवस्था में आ गई तो अब उस हवा को हम क्या नाम से जानते हैं? पवन, विंड बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया कि पवन क्या होता है? गतिशील हवा है, बहती ही हवा ही क्या है? पवन है। इसमें कोई डाउट आप? क्लियर है? ठीक, बहती हुई हवा ही क्या है? ठीक, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो, पर ये हवा बह क्यों रही है, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आना था कि हवा क्यों बह रही है। तो हवा बहने के लिए कंडीशन है, एक शर्त है, ऐसे ही नहीं बहेगा हवा अपने आप, इधर नहीं जाना, एक कंडीशन है, एक शर्त लगता है, दाब में अंतर होना चाहिए, वायु दाब में अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वायु दाब में अंतर होना चाहिए। अगर वायु दाब में अंतर नहीं है तो हवा जो है गतिशील अवस्था में नहीं आएगी, गति नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? वायु दाब में अंतर, वायु दाब में अंतर। वायु दाब में अंतर जब होगा तब वो हवा क्या करेगी? गति करेगी। ठीक, तो अब ये कैसे करता, देखो, मान लो कहीं पर हवा है, ठीक, और वहां पर जो एयर प्रेशर है, वायु दाब है, वो क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। तो मान लो ये एक जगह, मान लो, ठीक है, यहाँ पर ये जो डॉट्स बना रहा हूं, ये हवा है। क्या है? ये हवा है। ठीक है, और यहाँ पर हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब हवा का, देखो एच मतलब हाई, पी मतलब प्रेशर, सब यह मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर उच्च दाब है। क्या है? उच्च दाब। किसका? हवा। ठीक, आगे बात समझ में? ये एक जगह हो गया उच्च दाब वाला क्षेत्र, एक क्षेत्र इधर बना देते, इसको उठाता हूँ थोड़ा सा। ठीक, ये एक दूसरा क्षेत्र बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पर निम्न दाब, ये निम्न दाब का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? निम्न दाब का क्षेत्र। इस क्षेत्र में लो प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है, मतलब लो मतलब निम्न, प्रेशर मतलब दाब। किसका? हवा। ठीक है, अब ये क्यों होता है भाई भूगोल में है, फिर भी याद रखना, एक सामान्य तरीके से याद रखना, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। मान लो कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और गर्मी कहाँ से आएगी? सूर्य के ताप से। ठीक, तो गर्मी से यहाँ की हवा क्या होगी? ऊपर उड़ जाएगी। कहाँ हो जाएगी? ऊपर। ये जगह क्या हो गया? खाली हो गया कि नहीं हो गया? भाई हवा क्या हो गई? सूर्य के प्रकाश से क्या हो गई? गर्म हो गई। गर्म होके कहाँ चले गई? ऊपर। गर्म होने पर हल्की हो जाती है। ठीक है, हवा गर्म होने पर हल्की होती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। तो जहां पर गर्मी होगा वहां पर हवा ऊपर उठ जाएगी। अब वो जगह क्या हो गया? खाली। ये जगह क्या हो गया? खाली। हवा भी इधर आ गया है। अब ये खाली हो गया, मतलब कौन सा क्षेत्र बन गया? निम्न दाब का क्षेत्र। क्यों बन गया भाई? हवा था, हवा से ही तो दाब लग रहा था। अब हवा ही नहीं है तो ये दाब लगेगा क्या? नहीं। एयर प्रेशर लगेगा क्या? नहीं। तो ये बन गया कौन सा क्षेत्र? निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर। ठीक, यहाँ पर लो प्रेशर है। अब ये हवा ठंडी हवा है। कौन सी हवा है? ठंडी हवा भारी होती है, याद रखना। ठंडी हवा कैसी होती है? भारी। और भारी हवा है, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्षेत्र उच्च वायु दाब का क्षेत्र। आगे समझ में? हाई प्रेशर है यहाँ पर हवा। तो अब ये जगह खाली हो चुका है, तो ये जगह को भरने के लिए ये अब हवा है इस तरफ गति करना चाहिए। ठीक, ये ठंडी हवा कहाँ पहुंच गई? निम्न दाब के क्षेत्र के पास पहुंच गई। तो ये जब हवा, देखो इधर से इधर कब आई? जब दाब में, वायु दाब में क्या हुआ? अंतर आया। जो जगह था, दो जगह था, एक बी नाम का जगह है और एक ए नाम का जगह है। ए नाम के जगह पर वायु दाब ज्यादा है और बी नाम की जगह पर वायु दाब कम है। तो जब दाब में क्या हुआ? अंतर आ गया। क्या आया? दाब में अंतर आ गया ना।
एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। इस दाब में अंतर के कारण हवा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती और ऐसी चलती हुई हवा को या बहती हुई हवा को ही कहते हैं प्राणायाम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो पवन और हवा अब अंतर समझ में आ गया होगा। बहती हुई हवा ही पवन है और हवा क्यों बहती है ये भी अब समझ में आ गया होगा। क्यों बहती है? वायु दाब में अंतर के कारण। किसमें अंतर के कारण? वायु दाब में अंतर के कारण। आगे समझ में? हाँ। तो हमेशा हवा उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहेगी हमेशा। कभी कभी देखते होंगे कि अपने आसपास भी अक्सर कभी मौसम परिवर्तन होता है तो देखते होंगे अभी तो टाइम हवा ही नहीं चल रहा है पर कभी कभी ऐसा भी स्थिति बनता होगा कि बहुत तेज हवा चलती है। हाँ। कि नहीं चलती है? चलती है। बहुत तेज हवा चलती है। कभी धीमे धीमे चलती है। अभी हवा ही नहीं चल रहा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि हवा ही नहीं चल रहा? बोलते हैं बहुत गर्मी लग रहा है हवा ही नहीं चल रहा। कभी कभी देखते हैं कि हवा थोड़ा मंद मंद गति से चलते रहता है ठीक है। कभी कभी देखते हो कि हवा बहुत तेज गति से चल रहा है जिसको तूफान बोल देते हैं। आंधी तूफान आ गया बहुत नुकसान होता है छप्पर उड़ जाता है घरों में। तो ये होता क्यों है? इसी के कारण होता है। दाब में जितना अंतर होगा जितना दाब में अंतर होगा वायु की गति जो है उतनी तेज आगे समझ में उतना तेज बहेगा। दाब में अंतर थोड़ा कम है तो थोड़ा धीरे बहेगा। दाब में अंतर ज्यादा है तो और तेज गति से बहेगा। उसी को तो आंधी तूफान कहते हैं। अब आया समझ में कि हमारे आसपास जो ये परिवर्तन होता है ये हवा जो बहती है ये वायु दाब का बड़ा हो ठीक है। और वायु दाब देखो निम्न दाब के बनने के लिए बहुत जरूरी है क्या? गर्मी हीट। और ये कहाँ से मिलता है? और भी कारण होते हैं भूगोल में पढ़ोगे इसको। फिलहाल सिंपल एक कारण जान लो जहाँ गर्मी बढ़ेगी उस क्षेत्र का हवा जो है गर्म होकर हल्का होगा हल्का होकर उस जगह से ऊपर उठ जाएगा ठीक और उस जगह पर बन जाएगा निम्न वायु दाब का क्षेत्र। क्लियर है? और जहां पर कम तापमान है वहां की हवा ठंडी होगी तो वहां बन जाएगा। और ठंडी हवा कैसी होती है? भारी होती है तो वहां पर बन गया उच्च वायु दाब का क्षेत्र ठीक है हाई प्रेशर जोन बन गया। अब क्या हो गया देखो बन चुका है सिस्टम। अब हवा मस्त उच्च दाब से निकल रही है। अब वो कैसे जाएगी? एकदम धीरे धीरे इसे इसे जाती ठीक। तो कम अंतर है दाब में ठीक थोड़ा सा तेज गति से जा रहा है ऐसा मतलब तो दाब में अंतर और तेज गति से दौड़ रहा है मतलब हवा ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं ठीक है। इसका मतलब दाब में अंतर ज्यादा है ठीक। तब आता है तूफान। आगे